हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। पासपोर्ट को लेकर आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि पासपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पासपोर्ट बनवाने को लेकर के सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, अपॉइंटमेंट से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है और तीसरे स्टेप में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद आपका पासपोर्ट कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाता है। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, ये अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना होता है। अगर आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपए देने होंगे। अगर आप 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना होता है। एप्लीकेशन के साथ आपको आधार कार्ड और अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो लगानी होगी। इसके साथ ही अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उनके वेरिफिकेशन में उतना ज्यादा ही टाइम लगता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मार्कशीट लगा देनी चाहिए। अगर आप नॉन ACR कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना चाहिए, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट और टाइम सब मिल जाता है, तो आपको उस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद आपको उसी डेट और टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको 15 मिनट पहले जाना होता है। जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट 11:15 की है तो आपको वहां 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट पहले वहां एंट्री होती है। एंट्री करते वक्त वो आपका रिसिप्ट देखते हैं, जो कि अपने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद प्रिंट की होगी। उसी स्लिप को देखने के बाद वो आपको एंट्री दे देते हैं। एंट्री के बाद आपको वहाँ पर कुछ काउंटर्स मिलते हैं जहाँ पर लाइन लगी हुई होती है। यहाँ पर आपको टोकन नंबर मिलता है, क्योंकि आपने जो रिसिप्ट प्रिंट की है उसका काम सिर्फ वहाँ पर एंट्री करना होता है। एंट्री के बाद आपको जितने भी काम होंगे सब आपके टोकन नंबर से होंगे, जो कि आपको वहाँ उन काउंटर्स पर मिलता है। वो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके प्रिंट करके दे देते हैं। उसके बाद जितने भी काम होंगे वो उसी टोकन नंबर पर लिखे हुए होते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको जाना होगा काउंटर A पर। वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, इनको स्कैन किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर आपकी एक फोटो को लिया जाएगा। वहाँ पर जो फोटो क्लिक किया जाता है वही फोटो आपके पासपोर्ट पर आता है, इसीलिए आप वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से फोटो क्लिक करवाएं। डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने के बाद और फोटो क्लिक होने के बाद हो सकता है वो आपको पासपोर्ट कवर खरीदने की डिमांड करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर पासपोर्ट कवर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको काउंटर नंबर B पर जाना होता है। काउंटर B पर जाने के बाद वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। बी में भी B1, B2, B3 इस तरह के काउंटर्स होते हैं और A में इसी तरह के A1, A2, A3 काउंटर्स होते हैं। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके आधार को वेरीफाई किया जाएगा और अगर आपने मार्कशीट लगाई हुई है तो आपकी मार्कशीट का भी वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। आपको बता दें कि कुछ लोग मुंशी मौलवी बोर्ड की मार्कशीट लगाते हैं जिसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता है, तो इसमें आपके पासपोर्ट बनने में देरी होती है। अगर आपने किसी और बोर्ड से 10th 12th पास किया है तो आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाता है, तो आपका काम जल्द ही हो जाता है। काउंटर B पर काम पूरा होने के बाद आपको काउंटर C पर जाना होता है और काउंटर C में भी C1, C2, C3 इस तरह से काउंटर होते हैं, जो कि LED पर आपको लिखा हुआ आ जाता है आपके टोकन नंबर के सामने। जैसे आपका टोकन नंबर 3 है तो आपको टोकन नंबर C3 पर जाना होगा। जैसे ही आप अपने काउंटर पर जाएंगे वहाँ पर आपके पूरे फॉर्म को चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, आपकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और आपकी मार्कशीट वगैरह सब सही है, तो आपका जो पासपोर्ट का स्टेटस है वो ग्रांटेड कर दिया जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका पासपोर्ट उन सिचुएशन में होल्ड या कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए आप केवल आधार या मार्कशीट ही लगाएं, क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने से उसके वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आपको एग्जिट पर जाना होता है। एग्जिट पर आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपके पासपोर्ट का स्टेटस, डेट, टाइम, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अगर उसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, उसके 1 या 2 दिन के बाद ही पुलिस स्टेशन से फोन आता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में।
हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में जमा किए हों। अगर आपने आधार कार्ड और मार्कशीट जमा की है तो आपके पास आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके साथ ही दो फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो है नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड एफिडेविट जो कि आप किसी भी नोटरी एडवोकेट से बनवा सकते हैं, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रधान से भी एक लेटर लिखवाना होगा। तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट को लेकर के आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी, दो फोटो और नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड का एफिडेविट, और अगर आप गांव में हैं तो फिर प्रधान का लेटर, ये सब लेकर के आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है। पुलिस स्टेशन में आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के दो सिग्नेचर कराए जाते हैं और सिग्नेचर होते ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है खत्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, पुलिस कभी भी वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे नहीं मांग सकती है, मगर पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगती है तो आप उन्हें मना कर सकते हैं या फिर आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। सो गाइज, पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट से लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन तक सारा प्रोसेस है सिर्फ यही होता है। ये बहुत सिंपल होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।